हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सिंगापुर जॉब स्कैम से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों को सिंगापुर के जॉब स्कैम को लेकर मैंने काफ़ी अवेयर भी किया है। और कुछ दिनों से मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम, जब आप सिंगापुर में जॉब करने के लिए गए तो क्या आपके साथ भी जॉब स्कैम हुआ था, और अगर हुआ तो आपने अपने आप को कैसे बचाया। तो प्लीज़ एक छोटा सा वीडियो बनाकर हम लोगों तक पहुँचाएँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, जो भी मेरे कॉन्टिन्यूस सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे पुराने वीडियोस देखते आ रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मेरे साथ भी जॉब स्कैम होने वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा स्मार्टली काम किया, मैंने दिमाग से काम लिया और मैंने जॉब स्कैम में पड़ने से पहले अपने आप को बचा लिया, अपने सारे पैसे बचा लिए। अगर मैं स्कैम में पड़ जाती तो मेरा बहुत मोटा, बहुत भारी लॉस होने वाला था, लेकिन टच वुड, मैंने दिमाग से काम लिया और मैंने अपने सारे पैसे बचा लिए और जॉब स्कैम में पड़ने से पहले भी अपने आप को बचा लिया। तो जितने भी लोग फॉरेन में जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर इंडिया में भी जॉब सर्च कर रहे हैं, मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है जैसे मैंने अपने आप को बचाया, आप लोग भी ये वीडियो देखकर वैसे ही अपने आप को बचा पाएँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत यूज़फुल होगा। तो मेरा वीडियो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि एंड तक ज़रूर देखें, और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सिंगापुर में मोस्टली कॉमन हॉस्टल्स होते हैं गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, दोनों एक ही हॉस्टल में रहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था अपने और वीडियोस में। तो हुआ ये कि मैं सिंगापुर में हॉस्टल में रह रही थी और मेरे रूम के जो साइड वाला रूम था वहाँ पर कोई मलेशियन लड़का था और सिंगापुर में वर्किंग था, किसी शिपिंग कंपनी में वर्किंग था। मैं यहाँ पर उनका नाम रिवील नहीं करूँगी। तो उसके बाद होता ये है कि मैं एक दिन ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाती हूँ कॉरिडोर में, और वहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी तो वो लड़का सडनली मेरे टेबल पर आया और मुझसे हाय हेलो करने लगा। जैसा कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, जब हम सिंगापुर में किसी हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोगों से इंट्रैक्शन होता है, हाय हेलो होती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। तो वो लड़का आया मेरे पास और मुझसे आके मेरा इंट्रोडक्शन लेने लगा। मैंने भी अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया, उसने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं सिंगापुर में वर्किंग हूँ या फिर मैं विजिट वीज़ा पर हूँ। तो वहाँ पर उस टाइम में ट्रेनिंग पीरियड पर थी, मैंने उनको ये बोला कि मैं विजिट वीज़ा पर हूँ और मैं ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि वाई डोंट यू स्टार्ट वर्किंग इन सिंगापुर, और उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि उनके एक फ्रेंड हैं जिनकी सिंगापुर में कंपनी है और उन्हें एक फ़ीमेल फॉरेनर मैनेजर चाहिए, फ़ीमेल फॉरेनर लड़की चाहिए, उनके ऑफिस में एक वैकेंसी थी मैनेजर के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वहाँ पर चले जाओ और ऐसे ऐसे करके वैकेंसी है और कंपनी मेरे फ्रेंड की ही है और आप इंटरव्यू के लिए चले जाओ। तो उस दिन हमारी नॉर्मल बातचीत हुई और उसके बाद मैं अपने काम पर चली गई और वो अपने काम पर चला गया। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पर। उन्होंने वो मेरे पास फिर से आया और उसने आकर एक प्रॉपर डायरी लेकर आया। डायरी में उसने मुझे प्रॉपर कंपनी का नाम बताया, प्रोफाइल बताया, कितना कोटा है फॉरेनर्स का वो तक उसने मुझे बताया। फिर उसने मुझे बताया कि वहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी, साल में कितनी लीव्स मिलेंगी, एनुअल लीव्स कितनी होंगी, मेडिकल लीव्स कितनी होंगी, सारी चीज़ें उसने मुझे वहाँ पर डायरी में समझाई। उसके बाद उसने मुझे ये भी बताया कि इन केस मैं पार्ट टाइम करती हूँ तो मुझे पार्ट टाइम का एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, साल में इंडिया आने के लिए मुझे कितनी बार एयर फेयर कंपनी प्रोवाइड करेगी, कंपनी मुझे क्या अकोमोडेशन देगी, मतलब कंपनी क्या क्या चीज़ें मुझे देगी, उसने मुझे सब कुछ डायरी पर बता दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ऑलरेडी वहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड पर थी तो मेरे माइंड में ये आया कि यार मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है तो क्यों ना मैं जो ये मुझे बता रहा है मैं उधर की तरफ ध्यान दूँ। मैं थोड़ा सा लालच में आ गई तो मैंने सोचा यहाँ पर तो मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, और जिस जगह पर उसने मुझे बताया वो जगह मेरे हॉस्टल के बहुत नियर बाय भी थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं इंटरव्यू दूंगी। तो उसके बाद उस दिन हमारी बातचीत ख़त्म हुई और मैं अपने काम पर चली गई, फिर वो अपने काम पर चला गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर मिले, फिर उसने मुझसे दोबारा से आकर पूछा कि मेरा क्या प्लान है और क्या मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ या नहीं, क्या मैं जॉब करना चाहती हूँ या नहीं। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है मैं जॉब करना चाहती हूँ और आप मेरा इंटरव्यू करा दीजिए। वहाँ से उसकी सारी वर्डिंग चेंज हो गई। फिर उसने मुझे बाद में बताया कि इसके लिए आपको, अगर आप एस पास के लिए करना चाहते हैं तो आपको $2,000 पे करना पड़ेगा, मतलब कि इंडियन करेंसी में सीधा सीधा 1,00,000 रुपये, जो कि एडवांस पे करना था मुझे, और जॉब लगने के बाद फिर से मुझे 2,000 पे करना है, मतलब कि 2,00,000 रुपये। और उसने बोला अगर आप वर्क परमिट पर काम करना चाहते हो तो आपको $1,000 पे करना पड़ेगा एडवांस में, यानी कि 50,000 रुपये। तो मैंने उससे बोला कि आपने 2 दिन पहले तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया और अब जब मैं इंटरव्यू के लिए बोल रही हूँ तो आपने बोला कि मुझे 2,000 एडवांस में पे करना पड़ेगा, 2,000 जब जॉब लग जाएगी उसके बाद पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा मेरा दिमाग ख़राब हुआ। तो उसके बाद फिर भी मैंने सोचा कि चलो लेट्स सी, अगर जॉब अच्छी है तो फिर पे करने में कोई बुराई नहीं है, अगर मुझे वहाँ पर पे अच्छा मिलेगा
तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जॉब कर लूँगी। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप मुझे एड्रेस दे दो, मैं इंटरव्यू के लिए चली जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपको इंटरव्यू से पहले ही पे करना पड़ेगा और आप ऐसे इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पे कर दूंगी, लेकिन जब मैं पे करूंगी कहाँ पर करूंगी? उसने बोला कि मैं आपको एक अकाउंट नंबर दूंगा, आपको उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराने हैं और फिर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो मैंने बोला जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराऊंगी और जो भी आप मुझे अकाउंट देंगे, क्या मुझे उसका कुछ प्रूफ देंगे कि आपने मुझसे इतने पैसे लिए हैं? तो उन्होंने मुझसे साफ मना कर दिया कि अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप रहने दीजिए और कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, प्रूफ मैं ही हूँ। मैंने कहा देखो, आप तो मेरे हॉस्टल में मेरे रूम के बिल्कुल बगल वाले रूम में रहते हो, आपसे मेरा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, आप मेरे कोई फ्रेंड नहीं हो, आप मेरे कोई कलीग नहीं हो, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती, आप किसी दूसरी कंट्री से हो, सिंगापुर से भी नहीं हो, तो मैं आप पे ऐसे कैसे बिलीव कर लूँ? मैं कैसे आपके वर्ड पे बिलीव कर लूँ कि आप फ्रॉड हो या फिर आप जेन्युइन हो? मैं कैसे बिलीव करूँ? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर आप जॉब मत करो, आप फिर अपने आप देख लो। तो उस टाइम मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको सोच समझ के जो भी मुझे ठीक लगेगा मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करके आपको बता दूंगी। तो उस लड़के ने बोला कि ठीक है, आप डिस्कस कर लो और उसके बाद मुझे बता दो। फिर मैंने दिमाग में सोचा कि इस लड़के ने मुझे कंपनी का नाम बताया था, क्यों ना मैं डायरेक्टली वहाँ पर कॉल करके पूछ लूँ कि क्या उनके पास फॉरेनर्स के लिए कोटा है, क्योंकि सिंगापुर में किसी भी फॉरेनर को ऐसे नहीं रखा जाता है। अगर कंपनी के पास फॉरेनर का कोटा होगा तभी कंपनी आपको रखेगी, अदरवाइज कंपनी आपको किसी भी हालत में नहीं रखने वाली। गाइस, बिलीव नहीं करेंगे आप लोग, जब मैंने उस कंपनी में कॉल किया और मैंने वहाँ पे जो भी वर्किंग थे एचआर डिपार्टमेंट में कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि मैं ऐसे ऐसे बात कर रही हूँ और मुझे ऐसे ऐसे ऑफर आया है आपकी कंपनी से, कि क्या आपके पास फॉरेनर का कोटा है, क्या आपको किसी मैनेजर की रिक्वायरमेंट है? आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम फॉरेनर्स को रखते ही नहीं है। तो उस टाइम मुझे इतना शॉक लगा, मैंने कहा कि यार ये लड़का तो मेरा बेवकूफ़ बना रहा था। फिर उसके बाद मैंने सारी बात करने के बाद वहाँ पर फ़ोन कट कर दिया और मैं बैठ गई। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, संडे का दिन था, उस लड़के का मेरे पास दोबारा से मैसेज आया, मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, कि आपने क्या सोचा है, क्या डिसाइड किया है, आपको काम करना है या नहीं करना है? पहले तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, मैंने कहा ये लड़का मेरा बेवकूफ़ बना रहा है, सिर्फ पैसे लेने के चक्कर में मेरा पागल बना रहा था। लेकिन मैंने फिर भी कोई बात नहीं, पोलाइटली काम किया, क्योंकि सिंगापुर का रूल है, हम ऐसे लड़ झगड़ नहीं सकते, सिंगापुर की रूल्स रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट हैं। फिर उसके बाद मैं उस लड़के के रूम में गई और मैंने वहाँ पर जाकर उस लड़के से बात की। जो भी कंपनी में मेरी बात हुई थी वो रिकॉर्ड थी और मैंने उस लड़के को अपनी सारी रिकॉर्डिंग सुना दी। और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो एकदम शॉक्ड था और उसने एक बहाना बनाया कि मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़का बाहर चला गया। नेक्स्ट डे मुझे वो मेरे हॉस्टल में मिला ही नहीं। और जब मैंने रिसेप्शन पर जाकर पता किया तो मुझे पता चला कि वो संडे की नाइट को हॉस्टल से एग्जिट कर चुका था। अगर मैं वहाँ अपने पैसे दे देती तो मैं बहुत बड़े स्कैम में पड़ जाती। $2,000 का मतलब होता है 1 लाख रुपए, और 1 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर मैं उसे वहाँ पर उस पर ट्रस्ट करके इंटरव्यू के लिए बेवकूफ़ बन जाती और उसे अपने पैसे दे देती तो वो मेरे पैसे लेकर हॉस्टल छोड़ के भाग जाता और मैं उसे कभी ढूंढ भी नहीं पाती। और अगर मैं वहाँ पुलिस से हेल्प लेती तो पुलिस भी उल्टा मेरी ही खिंचाई करती, क्योंकि सिंगापुर में जॉब के लिए किसी को भी पैसे देना या लेना ये एक तरीके का ब्राइब है, और देने वाले के लिए भी पनिशमेंट है और लेने वाले के लिए तो पनिशमेंट है ही है। लेकिन मैं उसे ढूंढती कैसे, क्योंकि वो तो मलेशिया का था और हो सकता है उसने मुझे अपना नाम भी गलत बताया हो, नाम आइडेंटिटी भी उसने मुझे अपनी गलत बताई हो। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप फॉरेन में हैं, कोई भी आपसे इस तरीके के वादे कर रहा है, इस तरीके की बातें कर रहा है, किसी पे विश्वास मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे सगे भी हमें धोखा दे जाते हैं, फिर वो तो कोई गैर है, कोई दूसरे मुल्क का है। तो आपको ऐसे किसी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले की बातों में सच्चाई है तो डायरेक्टली एम्प्लॉयर से बात करें, डायरेक्टली एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करके पूछें कि क्या उनके पास कोटा है या उनके पास वैकेंसीज चल रही हैं। अगर वो हाँ करते हैं तो ही आप आगे स्टेप लें, बाकी किसी को भी पैसे ना दें जॉब के लिए एडवांस में। हर बार मैं आप लोगों को यही बात बोलती हूँ, और जैसे मैंने अपने आप को जॉब स्कैम में पढ़ने से पहले बचाया, मैंने स्मार्टली काम किया। अगर मैं उसकी बातों में आ जाती, उसको पैसे दे देती और इंटरव्यू के लिए चली जाती और वहाँ जाकर मुझे पता चलता तो तब तक बहुत देर हो जाती और मैं अपने पैसे खो चुकी होती। लेकिन मैंने कुछ भी करने से पहले डायरेक्टली एम्प्लॉयर से बात की, सारी चीज़ें कंफर्म की, और जब मुझे पता चला सब कुछ फ्रॉड है तो उसके बाद मैंने मुझे सब कुछ सारी कहानी समझ में आ गई कि एक्चुअल में माजरा क्या है। तो इसीलिए आप भी इसी तरीके से अपने आप को जॉब स्कैम में पड़ने से पहले बचा सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आगे से कोई भी जॉब स्कैम में पड़ने से पहले मेरा वीडियो देखकर अपने आप को बचा ले, अपने आप को बचा सके। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।